मैं इस वक्त उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर के रामकृष्ण आश्रम में हूँ, रामकृष्ण मठ मिशन आश्रम में हूँ। ये है एंट्रांस। एंट्रांस में बहुत ही सुंदर यहाँ का माहौल है। आश्रम है तो ऐसे लगता है कि हम जंगल के बीच में हैं, क्योंकि चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर लंबे लंबे पेड़ लगाए गए हैं। और ये रास्ता सीधा जाता है मेन मंदिर के तरफ, और रास्ते के दोनों तरफ भी बहुत सारे मौसमी जो फूल होते हैं वो लगाए जाते हैं। पर अब तो धूप गर्मी का दिन है तो ज़्यादा नहीं है, फूल नहीं इतना दिख रहा है, लेकिन साल भर बहुत सुंदर फूल रहता है। और ये रास्ता सीधा गया है आपका मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यहाँ का, और यहाँ पर महंत जी बैठते हैं। और साइड में है एक स्पिरिचुअल बुक शोरूम, और यहाँ पर बुद्ध देव की एक मूर्ति लगाई गई है, और बहुत सारे जैसा जंगल जैसा माहौल बनाया गया है। ये बहुत सुंदर है। ये यहाँ का महंत जी हैं, ये आपका अवार्डेड टीचर थे कभी, यहाँ का महंत है। और ये भी एक साधु है, वो चलाते हैं, इस देखभाल करते हैं इस बुक स्टोर की। स्टोर तो नहीं, शोरूम जैसे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर किताब स्पिरिचुअल है और मोटिवेशनल स्पिरिचुअल किताब ही यहाँ पर ज़्यादा है, और बड़े बड़े संत के लेक्चर्स, उनका लेटर्स, ये सब के ऊपर में जो आधार करके जो सब किताबें हैं वो सब है यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद की हर एक किताब यहाँ पर मिल जाता है, और बहुत ही कम दाम में यहाँ पर मिलता है, ताकि लोग इसे पढ़े और समझे कि क्या वो बोल रहे थे हमारे जो इतना महान पुरुष थे, वो क्या बोल के गए हमें, ये कम से कम लोग तक उनके वाणी पहुँचे। तो यहाँ पर किताब इसीलिए बहुत सस्ते में दिया जाता है, और बच्चों के लिए भी महाभारत, रामायण, बाकी जितने धर्म ग्रंथ हैं, हर एक धर्म के ग्रंथ को छोटे छोटे स्टोरीज में, बहुत कलरफुल स्टोरीज में बना के यहाँ पर रखा गया है किताब के आकार में, ताकि बच्चों को पढ़ने का आदत हो जाए और फिर वो इस सब जाने। देखिए आजकल तो ऑडियो विजुअल का ज़माना है, पढ़ने का आदत तो छूट रहा है, तो कम से कम ये सब बात हम लोग जानेंगे कहाँ, क्योंकि ब्रेन जो है वो अगर सुनता है और देखता है उसे भूलने लगता है, पर अगर पढ़ता है, अगर अक्षर के रूप में पढ़ता है तो वो जाके छप जाता है ब्रेन में। यही फ़र्क होता है रीडिंग और विजुअल में। हाँ ठीक है, तो ज़्यादातर किताब यहाँ पर स्वामी जी के ऊपर है, उनके लेक्चर्स, उनके सेइंग्स, बाकी सबके हैं, जीसस, बुद्धा, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सब भाषा के महान पुरुषों के किताब यहाँ पर मिल जाते हैं। और मेन चार पांच लैंग्वेज में मिलता है, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश और कुछ कुछ तेलुगु तमिल में, सब मिलता है यहाँ पर। और कुछ ट्रांसलेटेड किताब भी मिलता है। ये है साधु निवास, साधु लोग यहीं पर रहते हैं, ये उनके आश्रय स्थल है। और ये रास्ता सीधा जाता है रसोई की तरफ, किचन के तरफ, वहाँ हर दिन अन्नभोग होता है। और ये हो गया श्री श्री रामकृष्ण देव के जो मानस पुत्र थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर बेलूर, तो उनको राजा महाराज बुलाते हैं हम लोग प्यार से, तो उन्हीं का ये रूम है। मतलब पहले आके वो यहीं रहते थे, और उन्होंने ये आश्रम बनवाया है, क्योंकि उनको एक दैवी निर्देश हुआ था कि यहाँ पर आश्रम बनना है। तो पहले ये बिल्कुल जंगल था, कि दिन में भी खूंखार जानवर निकलते थे, पर महाराज ने आके यहाँ पर कुछ ही लोग को लेके यहाँ पर आश्रम लगाए थे। तब स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए एकमात्र साधन था बैल की गाड़ी, और वो भी 3.5 घंटा लगता था। सोचिए अब तो 5 मिनट में हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और ये जो ताला है, यहाँ हर एक चीज़ को बहुत केयरफुली मेंटेन किया जाता है। ये ताला बहुत पुराना है, और ये जो देख रहे हैं ये राजा महाराज से इस्तेमाल किया गया है, सब उनके सामान है ये रूम। ये इसी रूम में वो रहते थे। ये उनका शूज है, 100-150 साल पुरानी है, फिर भी अब तक ये चमक रहा है, क्योंकि हर रोज़ इसे मेंटेन किया जाता है। उनका
ये छड़ी है, वो छड़ी लेके चलते थे। और एक तो ऐसे स्टोरी है कि एक बार जंगली भैंस निकला और उनके शिष्य भी उनके साथ थे, तो बस वो बोले घबराओ नहीं मेरे पीछे आ जाओ, और फिर सीधा डायरेक्ट उस भैंस को वो ताक के रह गए, और ऐसा कुछ हुआ कि वो भैंस अपना से सिर को नीचे कर लिया, अटैक नहीं किया। ये हम लोग आ गए अभी ऊपर का मेन मंदिर में, ये है मेन मेडिटेशन हॉल। यहाँ पर हर हर दिन पूजा भी होता है और रात को आरती भी होता है, शाम को आरती होता है, और हर दिन इसे कोना कोना इसका साफ किया जाता है, हर कोने में इसको साफ किया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का है फोटो, और ये है श्री श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव की आपका व्हाइट मार्बल का मूर्ति है, बहुत सुंदर, फूलों से हर दिन सजाया जाता है। ये माता रानी की है, उनके धर्म पत्नी, पर इनको माता रानी को उन्होंने माँ के जैसे पूजा। और दीवार में लगे हैं उनका जो 12 मानस संतान थे, मतलब मंत्र दीक्षित संतान थे, उनके शिष्य ऐसे ही बोलेंगे हम लोग, उनका जो 12 शिष्य थे उनके फोटो सब ऊपर लगाया गया था। अभी देखना दिख नहीं रहा है, ये है आदिवासी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो पढ़ते हैं फ्री में, और उनका हर तरह का डेवलप किया जाता है, उनका हॉस्टल भी है पीछे तरफ। आज इतना ही दिखा रही हूँ क्योंकि अब ये बंद होने वाला है, लंच का टाइम हो गया, तो थैंक यू।